हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी विशाखा चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक। हाँ जी, जिसके पास टाइम नहीं है और जिसको अच्छा सा फेस भी चाहिए, विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे चाहिए हमारे फेस में, सो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मस्त होने वाला है एकदम। ये है विटामिन सी से भरपूर फेस पैक। जी हाँ, सभी को पता है कि विटामिन सी हमारे फेस के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, सीरम्स और क्रीम वगैरह अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि विटामिन सी की जो क्रीम्स वगैरह और सीरम वगैरह होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट विशाखा है तो किस बात की चिंता है यार। बस आप लोग मेरी वीडियोस देखा करो, लाइक करा करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जो कि विटामिन सी से भरपूर है एंड आपके फेस में अगर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, एजिंग लाइन्स हैं, रिंकल्स आ गए हैं बहुत सारे और स्किन टाइट करेगा ये वाला फेस पैक एंड बहुत सारे फ़ायदे। और विटामिन सी तो सभी को पता है भाई हमारे फेस के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ ऑरेंज पील पाउडर से फेस पैक एंड मुल्तानी मिट्टी ऑल्सो, दो धमाकेदार प्रोडक्ट हैं ये। विटामिन सी के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, आपके फेस में ये वाला फेस पैक धमाका एकदम मज़ा देने वाला है। और गर्मियाँ आ गई हैं, ये एकदम ठंडक ठंडक भी फील कराएगा, तो मेरे हिसाब से भाई सब लोगों को करना चाहिए। और मैं कैसे कैसे बनाती हूँ वो मैं आगे आपको बताऊँगी, फुल प्रोसेस बताऊँगी, बनाऊँगी भी, लगाऊँगी भी, रिजल्ट भी आप लाइव देखना, पहले का फेस देख लेना एंड लास्ट में देख लेना। आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख लेना एंड भाई सभी को पता है हमारी दादी नानी और मम्मियाँ भी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें घर में कर चुकी होंगी, बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये। और मैं DIYs में काफ़ी बिलीव रखती हूँ और हर हफ्ते आप लोगों को एक नए DIY के साथ मिलती हूँ। और ऑरेंज बहुत इफ़ेक्टिव है, कैसे कैसे बनाती हूँ चलो आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये है मुल्तानी मिट्टी एंड ऑरेंज पील पाउडर जो कि पर्पल से मैंने परचेज़ की है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है एक बाउल, बाउल में ले लूँगी मैं 1/2 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, 1/2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर एंड 1 टीस्पून चावल का आटा। जी हाँ, आप घर में भी बना सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 टीस्पून एलोवेरा जेल, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं और आपके पास अगर प्लांट है तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हनी 1 टीस्पून, एक्चुअली बहुत छोटी सी है तो मैंने 1 ली है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल, आप एक कैप्सूल लें और जो ऑयल है उसको पूरा निकाल लेंगे एंड इसकी जगह आप ग्लिसरीन भी ले सकते हैं और टोटली स्किप भी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है गुलाब जल, आप कोई भी कंपनी का गुलाब जल ले सकते हैं एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है और मैं अपने फेस पैक के अकॉर्डिंग ले लूँगी जितना भी नीड होगा। बस अच्छे से ऐसा पैक बन जाना चाहिए कि अप्लाई अच्छे से हो जाए, मैंने बाद में और भी लिया था, ऐसा पैक आप लोगों का बन जाना चाहिए जैसा मेरा बन गया है। और ये हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं, आप लोग देख लो। ये आप कर लो हफ्ते में 2 से 3 बार आप लोग कर लो, या फिर किसी शादी पार्टी में जा रहे हो आप लोग लगा लो, आपका चेहरा एकदम चमचमा जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि अप्लाई कैसे करना है, ये देख लो। मेरा स्टार्टिंग फेस, मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं किया है, ओनली लिपस्टिक यूज़ की हुई है। फेस क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश कर लेना। अभी मैं अप्लाई करूँगी और यहाँ पर मैं स्पून से अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैंने अपनी स्पून का जितना भी फेस पैक उसमें लगा हुआ था वो टोटली निकाल लिया है। भैया कुछ भी एकदम चम्मच को पूछ पूछ के मैंने लगा लिया है पूरा फेस पैक अपने फेस में।
वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे से एक थिक लेयर अप्लाई कर लेनी है अपने फुल फेस एंड नेक ऑल्सो, और नेक का पूरा ध्यान रखना है, जितना फेस का रखना है उतना ही। एंड फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो अच्छी लगे तो ऑफकोर्स लाइक तो अभी कर देना यार, और यूज़ करने के बाद कमेंट्स ज़रूर कर देना। फीडबैक की बहुत ज़्यादा मुझे रहता है कि कोई तो करे करे करे, इसलिए कर देना। और जो भी बचा है फेस पैक उसको कभी भी डालना नहीं भैया, अपने हाथों में लगाओ, क्योंकि हाथ भी तो अच्छे अच्छे होने चाहिए। जब हम लोग हाथों से अपनी वीडियो वीडियो बनाते हैं तो बढ़िया ही लगने चाहिए ना, हाथ रिंग विंग पहनते हुए बढ़िया लगते हैं यार फिर तो, इसलिए हाथों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, जितना मेरा फेस पैक बचता है मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ और अच्छे से 5 या 10 मिनट्स जितना भी आपको टाइम है उतना अच्छे से स्क्रब करो, एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप इसको वॉश कर लो, और उसके बाद जादू देखना कि कितना सॉफ्ट और अच्छे अच्छे आपके हैंड लगेंगे। नेक्स्ट मैं कुछ और वीडियोज़ का DIYs का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। मैं मेकअप एंड आई ट्यूटोरियल और DIYs हेयर ऑयल वगैरह बताती हूँ, सो आप लोग देख लेना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो मेरे हैंड जो कि आफ्टर 5 मिनट मैंने धुल दिए थे, एंड काफ़ी फ़र्क था, और कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मेरा फेस पैक हो गया है ड्राई आफ्टर 15 मिनट, और इसको स्क्रब करते हुए आपको धुल लेना है, और ये रिजल्ट्स आप लोग देख लो सामने ही। वो थोड़ी सी लिपस्टिक लग गई थी तो मैंने हटा दिया है, देख लो भैया। आप लोग बाद में नहीं बोलना कि विशाखा ने कुछ झूठ बोला क्या। यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन है देखकर वाओ, और मेरा फेस सच में इतना ग्लो कर रहा था और सॉफ्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप गुलाब जल या तो फिर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप जो भी डे क्रीम, डे में हो तो सनस्क्रीम ज़रूर लगाना अगर बाहर जाना है या फिर घर में रहना है तब भी, और रात में सो रहे हो तो अपनी नाइट क्रीम जो भी नाइट रूटीन है वो फॉलो कर लो, नहीं तो अगर कुछ नहीं लगाना चाहते हो तो एलोवेरा जेल मेरी तरह लगा के और अच्छे से मसाज करके सो जाओ भैया। अगले दिन देखना आप लोग आपका चेहरा कितना ग्लो ग्लो करेगा और कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। एंड जो मैं ये मसाज पॉइंट बता रही हूँ, मसाज के स्टेप्स बता रही हूँ, वो आप लोग फॉलो करना, थोड़ी देर लगती है लेकिन बहुत रिलैक्स मिलता है, देख लो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ऐसे करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये था मेरा आज का सुपर डुपर हिट फेस पैक, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव फेस पैक है। एंड जिन लोगों को टाइम नहीं है तो उन लोगों के लिए यूँ फटाक से बनने वाला है, और दोनों ही चीज़ें इसमें, ऑरेंज पिल पाउडर एंड मुल्तानी मिट्टी, दोनों ही हमारे अम्मा वगैरह और अम्मा नानी मम्मियाँ भी इनफैक्ट ये सब बनाती हैं और करती हैं काफ़ी टाइम से, सभी के घरों में आई थिंक यूज़ हो चुका होगा। बट मैंने जो बताया है उसको भी एक बार आप लोग यूज़ करना, और रिजल्ट्स ऑफ कोर्स मेरे साथ शेयर करना, मुझे आप लोगों के फीडबैक की काफ़ी इंतज़ार रहता है। वो कर देना, विटामिन सी से भरपूर है, स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।